गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ टू डेवलप एंड्योरेंस, हाउ वी कैन डेवलप आवर एंड्योरेंस। टू डेवलप बॉडी एंड्योरेंस और मसल एंड्योरेंस देयर इज ए सम मेथड्स वी कैन say some methods which is very important for development of endurance. First we will discuss on the training method. It is continuous training method. Continuous training method is one of the best methods for improving endurance. In this method of training for improving endurance, in this method training and exercises performed for a long durations without any break. In this method intensity remains low because the exercise done for a longer period. Cross country exercise is the best example of continuous method. In this method the rate of heartbeats remains in between 140 to 160 per minute. The total durations of exercise should not be less than 30 minutes. This duration of exercise can be increased according to the endurance ability of the sports person or athlete. Continuous training method काफ़ी महत्वपूर्ण method है अगर हम endurance को अपने बढ़ाना चाहते हैं तो। इस मेथड के अंदर हम बिना रुके विदाउट एनी ब्रेक हमें ट्रेनिंग कंटिन्यूसली रखनी पड़ती है, और जब लॉन्ग टर्म के लिए लंबे टाइम लंबे वक्त के लिए हम ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इतने वक्त तक एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास एनर्जी सेव रहे। इसके लिए हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम उसकी शुरुआत और मीडियम रेंज पर करते हैं, स्लो स्पीड में करते हैं ताकि कोई एक्टिविटी हो या रेस हो या जो भी चीज़ है उसके अंदर हम स्लो लेवल पर इसकी शुरुआत करते हैं मीडियम लेवल पर, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो एक साथ खर्च ना हो और हमारे पास कुछ रिजर्व के अंदर रहे। ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी मानी जाती है हमारे लिए, ये ट्रेनिंग मेथड काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अंदर हम अगर माने तो एक क्रॉस कंट्री रेस जो होती है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है अपनी ट्रेनिंग का, क्रॉस कंट्री रेस इसके अंदर रहती है। ओके, और इसके अंदर हार्ट बीट जो है वो तकरीबन 140 से 160 पर मिनट के अकॉर्डिंग वर्क करती है, हार्ट बीट रहती है अपनी। इसके द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स तो हमारी एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। This duration of exercise can be increased according to the endurance ability of sports person or athlete. किसी भी एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन की अपन जो एबिलिटी होती है उसकी बदन की, उसके बॉडी की जो कैपेसिटी है कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कम बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे हम इसको बढ़ा सकते हैं। एडवांटेज क्या है? इट इंक्रीज द ग्लाइकोजन इन मसल्स एंड लिवर्स। हम ये जानते ही हैं कि हमारे शरीर में ग्लाइकोजन, ये जो एक्सरसाइज है ट्रेनिंग मेथड, ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा को बढ़ा देती है। हमारे शरीर के अंदर मसल्स और लीवर में हमारे ग्लाइकोजन की मात्रा को ये बढ़ा देती है। ग्लाइकोजन हम उसे कहेंगे जब हम भोजन करते हैं तो उस वक्त हमारे भोजन के द्वारा शरीर में ग्लूकोज चला जाता है, जो ग्लूकोज बनता है ये ग्लूकोज शरीर में मेटाबॉलिज्म और हाजमे की जो मतलब एक तरीके से डाइजेशन की जो होती है प्रोसेस, उसके द्वारा शरीर के अंदर ग्लाइकोजन का निर्माण होता है और ये सेव रहता है। और जब हमारे शरीर को कभी भी भोजन नहीं मिलने पर या कोई इमरजेंसी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त ये ग्लाइकोजन हमारे शरीर में ग्लूकोज का रूप लेकर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये ग्लाइकोजन का काम है। एंड इंक्रीज, दूसरा है इंक्रीज द नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका होती है उसके अंदर एक रहता है जिसे मनुष्य की पावर हाउस भी कहा जाता है।
ऊर्जा का केंद्र उसको बोला जाता है, तो उसका ये साइज बढ़ा देता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स, लंग्स की और अपने हार्ट की काम करने की क्षमता को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है। इट इम्प्रूव विल पावर, मेक्स एंड द इंडिविजुअल्स वेल डिटरमाइंड अंडर द कंडीशंस ऑफ फैटिग। ये हमारी विल पावर को इम्प्रूव करता है और हम एक इंडिविजुअल्स की जो क्षमता होती है उसके अंदर हमें थकान के अंदर नहीं होने पर हमें सॉरी विल पावर को मजबूत करता है एंड वेल डिटरमाइंड अंडर द कंडीशंस ऑफ फैटिक, और हमें एक तरीके से ताकत देता है कि कंडीशंस कितनी ही विपरीत हो, थकान भरी हो, लेकिन हम उसके अंदर काम कर सकते हैं। इट मेक्स द इंडिविजुअल सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंसान को ये क्या देता है, किसी भी एक व्यक्ति को सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है और डिसिप्लिन बनाता है। तो ये इसकी ट्रेनिंग का एक तरीके से हम देख सकते हैं कि पूरा एक मेथड है जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग रहती है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग का फिर एक बार कर देते हैं कि इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं दिया जाता, रेगुलर ट्रेनिंग होती है बिना किसी आराम किए। ओके, स्पीड इसके अंदर स्लो रखी जाती है, इंटेंसिटी तीव्रता जो होती है इसमें कम रखी जाती है, ताकि पूरे वक्त तक हम ऊर्जा को मेंटेन, अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को मेंटेन कर सकें। इसकी पल्स रेट 140 से 160 के बीच में रहती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्रॉस कंट्री रेसेस जो होती हैं, बिल्कुल स्लो मोड पर चलती हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज होनी चाहिए, यह है कंटिन्यूस मेथड का सिद्धांत। ओके, अब आता है इंटरवल ट्रेनिंग। जैसे इसके नाम से ही दिख रहा है, बीच में इंटरवल लेना, ब्रेक करना, ये इसका सिद्धांत है। आगे देखिए इसके अंदर दिया है पूरा, इट इज़ अ ट्रेनिंग ऑफ हार्ट थ्रो एंड्योरेंस ट्रेनिंग। ये काहे की है, हार्ट दिल की, एंड थ्रो एंड्योरेंस ट्रेनिंग एंड्योरेंस को बढ़ाने के द्वारा। एंड्योरेंस की जो ट्रेनिंग है वो हार्ट की ट्रेनिंग भी कहलाती है। ट्रेनिंग इफ़ यू रन योर हार्ट बीट्स एट ए फास्टर रेट। अगर आप दौड़ते हैं तो आपकी जो बीट होती है, दिल की धड़कन काफ़ी तेज धड़कती है। बिकिला द फेमस एथलेटिक्स कोच ऑफ फिनलैंड इंट्रोड्यूस दिस ट्रेनिंग मेथड इन 1920। उन्होंने इसको, जो फेमस एथलीट थे, उन्होंने इसको 1920 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। किसने? बिकेला ने। ओके, ही स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिदम बिटवीन वर्क एंड द रेस्ट इन द मेथड। उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया कि जो रिदम है बिटवीन वर्क, काम के बीच के अंदर और रेस्ट के बीच में, वो ऑन द स्ट्रेस्ड इम्पोर्टेंस ऑफ रिदम। उन्होंने इसकी अहमियत को जाना, किसकी? जो काम और रेस्ट की जो अहमियत होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। ही यूज टू रन 400 ट्रेस ट्रेनिंग। ही वॉज द ग्रेटेस्ट कोच एंड एथलेटिक्स ऑफ हिस टाइम। ही यूज टू रन 400 मीटर्स 10 to 20 times डेली इंस्टीड ऑफ रनिंग 10 to 20 miles डेली। जो फेमस एथलीट थे, ट्रेस ट्रेनिंग, उन्होंने अपने वक्त के अंदर वो इस तरीके से ट्रेनिंग करते थे कि वो बजाय 10 से 20 माइल दौड़ने के, वो 400 मीटर्स के 10 से 20 राउंड रेगुलरली काट लिया करते थे, एक के बाद ट्रेनिंग लेकर, गैप लेकर के। एक राउंड काटा, फिर थोड़ा गैप दे दिया, फिर उसके बाद दूसरा राउंड काटा, इस तरीके से वो 10 से 20 राउंड रेगुलरली काट लिया करते थे। जेटो पैक ऑल्सो यूज द सेम पैटर्न टू रन 400 मीटर 60 times डेली। वो 60 time डेली रन किया करते थे इसको, यानी कि 400 मीटर्स के 60 राउंड्स, नॉट रेगुलरली बट बिटवीन सम टाइम, कुछ गैप दे देते थे, उसके बाद वो फिर से शुरू करते। देन दिस ट्रेनिंग मेथड बिकम द इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। द जर्मन कोच टोनी सेड व्हेन एन एथलीट रन्स एट द स्पीड ऑफ 80%, यानी कि अपनी शरीर की जितनी उसकी दौड़ने की ताकत है उसका वो 80% ताकत का इस्तेमाल करते हुए दौड़ता है, तो हिज पल्स रेट विल बी 150 to 180। तो उसकी पल्स रेट 150 से 180 के बीच में पहुंच जाती है। द पल्स रेट शुड कम डाउन 120 to 150। और इसके बाद जब हम रोकना, एकदम 400 मीटर्स दौड़ करके वापस रुक जाते हैं,
तो फिर पल्स रेट वापिस 120 to 140 आ जाती है। दिस इज द बेस्ट रिकवरी टाइम फॉर स्पीड इंड्योरेंस। यही बेस्ट रिकवरी टाइम होता है स्पीड इंड्योरेंस का, जब हम अपने 400 मीटर्स का राउंड पूरा करते हैं उस दौरान हम 150 टू 180 पल्स रेट हमारी हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम वापस इसको कम डाउन वापस डाउन आते हैं तो 120 से 140 तक की पल्स रेट इसकी आ जाती है, और यही सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है इंड्योरेंस रिकवरी के, स्पीड रिकवरी का। ओके, इनफैक्ट द ट्रेनिंग मेथड इज़ बेस्ड अपॉन एफर्ट्स एंड रिकवरी प्रिंसिपल्स, यानी एफर्ट्स करना और उसके बाद रिकवरी वापिस लेना, वही आपका सिद्धांत जो हमने ट्रेनिंग में देखा था रेस्ट एंड रिकवरी वाला, कि रेस्ट एंड रिकवरी वाली प्रोसेस इसमें रहती है ट्रेनिंग के दौरान, कि हमें ट्रेनिंग पर ब्रेक लेना चाहिए। जैसे ही हम 400 मीटर राउंड काटेंगे फिर उसके बाद ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद हमने थोड़ा वक्त लिया, उसके बाद फिर 400 मीटर का राउंड। ड्यूरिंग द इंटरवल ट्रेनिंग रिकवरी पीरियड इज गिवन टू द एथलीट आफ्टर ईच स्पीड वर्कआउट। अब इसके अंदर ये समझने की बात है कि जो ट्रेनिंग के दौरान जो ब्रेक दिया जाता है उसके दौरान क्या करना है, तो उस दौरान हमें जो रिकवरी टाइम होता है ना उसके अंदर हमें एथलीट आफ्टर ईच स्पीड वर्कआउट, हमें उस दौरान अपनी जो भी वर्कआउट है स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें उस पर वर्क करना चाहिए। ये नहीं कि हमने 400 मीटर काट लिया फिर हम वापस टहलते हुए वहाँ पहुँच गए, फिर हमने 400 मीटर काटा फिर हम वापस टारगेट पर पहुँच गए, ऐसे नहीं, बल्कि हमें जो 400 कंप्लीट करते अब हमें उन एक्सरसाइज को करना है जो हमारी स्पीड को बढ़ाएंगे, उस वर्कआउट को हमें करना है। रिकवरी पीरियड कैन बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ एथलीट, एथलीट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं। कभी बार ऐसा होता है कि थोड़ा एक राउंड काट लिया, शुरुआत के अंदर काफ़ी परेशानी आती है, फिर उसके बाद हमने 2-4 मिनट का गैप ले लिया, उसमें हमने रेगुलरली स्पीड को इम्प्रूव करने वाली एक्सरसाइजेज वर्कआउट किया, तो इस तरीके से उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। द लोड कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द रिकवरी पीरियड ऑफ और इंक्रीज बाय द इंक्रीज द वर्कआउट, किसी भी तरीके से हम उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन एथलीट की सिचुएशन देखते हुए। फॉर एन एथलीट 400 मीटर रेस द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ओके, 400 मीटर रेस विद 80% स्पीड, हमें 80% अपनी शरीर की जो ताकत है स्पीड है हमारी बॉडी की उसके 80% हमें लगाना है। वॉकिंग और जॉगिंग अंटिल हिज हार्ट रेट कम्स डाउन, हमें अपनी जॉगिंग और वॉकिंग कंटिन्यू रखनी है जब तक 120 से 140 अप्रोक्सीमेटली हमारी हार्ट बीट नहीं आ जाए। 400 मीटर रेस विद 180% स्पीड, द प्रिपिटेशंस डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ एन एथलीट। वही वापस इसको रिपीट किया गया है कि इसके अंदर मेथड रहते क्या हैं। ओके, एडवांटेज के अगर कोई खिलाड़ी मान लीजिए रिपीट करना चाहता है तो हमें सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी कंडीशंस को देखना चाहिए, एथलीट की कंडीशंस कैसी हैं, क्या वो रिपीट कर सकता है, तब हम उससे कहें, नहीं तो हमें उसके अंदर ब्रेक देना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा। एडवांटेज मोर वर्कआउट कैन बी परफॉर्म्ड इन शॉर्ट ड्यूरेशंस, ज़्यादा वर्कआउट किया जा सकता है कम ड्यूरेशन, काफ़ी कम समय के अंदर। इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों ही चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, श्वसन तंत्र और जो हमारा रक्त तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। दे कैन बी ट्रेंड बोथ एट द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पर ट्रेंड हो सकते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ द एथलीट कैन बी मेजर्ड, उसको आसानी से नापा जा सकता है जो खिलाड़ी प्रोग्रेस कर रहा है। इट गिव्स ए बेटर रिजल्ट इन ए शॉर्ट टाइम, काफ़ी कम वक्त में अच्छा परिणाम हमें मिलता है। इट मीन्स एथलीट अचीव हीज और हर पीक परफॉर्मेंस इन शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम में वो अपनी परफॉर्मेंस अचीव कर लेता है। एथलीट गेट्स ए फेयर जजमेंट ईजिली। ओके, सजेशंस कैन बी गिवन बाय कोच टू एथलीट ड्यूरिंग रिकवरी फेस रिगार्डिंग एनी फॉल्ट, पेशेंस कैन बी इंक्रीज इन एथलीट। देखिए, सजेशन कैन बी गिवन बाय कोच टू एथलीट ड्यूरिंग रिकवरी एंड फेस रिगार्डिंग एनी फाउल। ओके, अगर कोई भी फाउल मान लीजिए 400 मीटर का फर्स्ट राउंड काटा, उसमें कोच को कुछ लगा कि इसमें तरीका, एक तरीके से दौड़ने का तरीका, उसकी स्किल्स, उसके स्टेप्स के बारे में कुछ सजेशन देना है, तो वो जस्ट 400 कंप्लीट करते फिर उसे दे सकता है, इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक बार जो दौड़ना शुरू करेगा तो फिर वो
ब्रेक तो लेगा नहीं, उस दौरान उसको सजेशन नहीं दिया जा सकता। पेशेंस कैन बी इंक्रीज्ड इन एथलीट्स। ओके, डिसएडवांटेज इसके देख लीजिए, द टॉप परफॉर्मेंस कम्स बिफोर कंपटीशंस एंड कैन नॉट रिमेन अप टू द कंपटीशंस टाइम। देयर आर मोर चांसेस ऑफ इंजरीज, इंजरीज के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इसके अंदर, क्योंकि जब हम 400 मीटर देखते हैं, दौड़ते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी अपनी 80% स्पीड का हम इस्तेमाल कर जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन हम 80% स्पीड का मतलब हो गया, आसपास ही आ जाते हैं 100% के। तो उस वक्त हम जब कोई भी कंडीशंस रहती हैं उसके वजह से इंजरी होने के चांसेस बन जाते हैं। देयर आर मोर चांसेस ऑफ इंजरीज, रेगुलर ट्रेनिंग कैन लीड द हार्ट डिसीज। ओके, रेगुलर ट्रेनिंग कैन लीड टू हार्ट डिसीज, अपने दिल की बीमारियों से जुड़ सकता है। वो तब है जब आप रेगुलरली ट्रेनिंग आप रेगुलर नहीं कर पाते हैं, बीच में एक गए और फिर उसके बाद आपने ब्रेक दे दिया, इस तरीके की ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे लिए ये पेनफुल रहता है, अदरवाइज बेनिफिशियल।